ये 1820 का साल है और आप एक अमेरिकन सील हंटर की कहानी सुन रहे हैं। ये अमेरिकन कैप्टन अपने जहाज के साथ सील का शिकारी था। ये सील हंटिंग के लिए अमेरिका से निकलता था और अटलांटिक ओशन में सील का शिकार किया करता था। फिर इसकी खाल चाइना जाकर महंगे दामों फरोख्त करता था। चीन जमाने कदीम से ही कीमती खालों का खरीदार रहा है। एक बार कैप्टन ने अटलांटिक ओशन में सील का बहुत बड़ा झुंड देखा। वो उसे शिकार करने निकल पड़ा और यूं हादसाती तौर पर ये कैप्टन 17 नवंबर 1820 को अंटार्कटिका बर्यादम पहुंच गया। यहां पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकन था, जबकि इस बर्फीले बर्यादम पर ये तीसरा कैप्टन था। 17 नवंबर के हवाले से वीडियो कैसी लगी?